बसमैम रहा के साथ में ख़ार का आदमी एक ट्वीट और कहानी तब्दील ये मामला क्या आपको बताएंगे इसके अलावा बड़ी ख़बर ये कि आर्मी चीफ की शाह सुमान से मुलाकात हुई है सऊदी अरब में इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है उसकी तफसी आपको बताएंगे और इस हवाले से बाद लोग क्या सराइयाँ कर रहे हैं वो भी आपको बताएँगे वो क्या है इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से तहरीक साफ़ एक बार फिर अख्तलाफा का शिकार नजर आती है और जस्टिस याफरीदी का एक और अहम फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के दो अहम अजलास अगले चंद रोज में होने जा रहे हैं तो उनमें क्या हो सकता है वो आपको बताएंगे मरीम नवाज़ बैरबुल चली गई है और नवाज भी बीजनावा पहुँच रहे हैं लाहौर में इस वो की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गई है और तलीमी इदारों में तातीलत में इजाफ़ा हुआ है और इसके अलावा प्रायमरी के बाद सकेंडरी और इंटर लेवल की तमाम स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए तो इलेक्शन अमरीका में हुआ है और पाकिस्तान में इंसाफ दुहाइयाँ देती फिर रही है बल्कि सफाइयाँ देती फिर रही है कल तक जो लोग ये कहते थे कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा और आज वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तहरीकानसाफ़ इस हवाले से भी तकसीम का शिकार नजर आती है आधे लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई कि वो इमरान ख़ान को रिहा कराएगा और एक बड़ी तादाद कल रात से आ, सोशल मीडिया पर कुंडिया खड़का रही है तो पहले लोग फ़िज़िकली जाके लोगों के, लोग के दरवाज़ों की बैल में जाया करते थे लेकिन अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसी के ऊपर वो कहते ना कुंडी ना खड़का सोने सिधा अंदर आ तो कुंडी खड़का कर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो कुंडी खोल देंगे और तरीके साहब वाले अंदर घुस जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि पायन दबाना खोल लोसे इमरान खान बाहर लेके आना तो ये जो बिन घुंगू बांधे हुए रक्स में मसरूफ़ है उनके लिए अर्ज ये है कि ज़रा सबर रुको थमो ठहरो अभी ट्रंप को कल्फ उठाने में दो माह बाकी है और इतनी देर तक जो बाइडन नहीं सदर रहना है और ये भी हो सकता है कि इमरान ख़ान का इन दो माह में फौजी ट्रायल हो चुका हो और उन्हें कोई ख़तरनाक सज़ा भी सुनाई जा चुकी हो अमरीका के सदारती इंतबात के हवाले से जो अमूमी राय पाई जाती है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ट्रंप जीत गए और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि डोनल्ड ट्रंप इकतदार में आए इसके अलावा डोनल्ड ट्रंप जिनके ऊपर दर्जनों केसेस हैं वो उन केसेस के बावजूद तो अमेरिका के सदर बन गए हैं तो दुनिया भर के जो जराम पेशा अफराद हैं उनके लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि वो भी कभी ना कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने के बावजूद किसी मुल्क के सरबरा बन सकते हैं तो अमरीका के सदारती इंतबात को देखकर इस बात का अंदाजा हो गया है कि अमरीका की को कख नहीं पता इसको पाकिस्तान की से कुछ सीखना चाहिए कि सियासी मामला को कैसे हैंडल करते हैं अब ट्रंप को सदारत जो है वो सीधी सीधे प्लेट में डाल कर दी गई है अमरीकी तारीख में आज तक हिस्ट्री में कोई खातून सदर नहीं बनी हिली क्लिंटन बहुत पॉपुलर थी और कामला हैरस से कहीं ज्यादा आ, उनकी सियासी समझ बूझ थी अमेरिका के अवाम ने उसे भी सदर नहीं बनाया अब ये जो पूरी दुनिया को इक्वलिटी का बराबरी का मसावियन हकूक़ का दर्स देती है अमरीकी हकूमत और अमरीकी अवाम इसके जो दांत हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं अमरीका में कदमत प्रस्तों की तादाद जिदत प्रस्तों से कहीं ज़्यादा है और जिद्दत प्रस्त वो लोग हैं जो दुनिया भर में आ, कहीं ना कहीं से अमेरिका में जमा हो गए हैं और वो इस वक्त अमेरिका का एक रोशन चेहरा समझा जा सकते हैं लेकिन चूँकि अमेरिका में बहुत से ईसाई और यहूदी अक्सरीत में मौजूद है तो वो कैसे एक खातून को सदर दे सकते हैं तो अमेरिकी इस्टेबलिशमेंट अगर थोड़ी सी भी समझदार होती और ट्रंप का रास्ता रोकना चाहती तो फिर दो काम वो कर सकती थी पहला काम तो ये कि डेमोक्रेटिक को इस बात पर आमादा करती कि वो किसी खातून को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना बनाए किसी मर्द को बना देते तो शायद सूरत हाल बदल जाती आ, खातून को सदर के अहदे पर खड़े करने का मतलब तो ये कि आपने आ, पहले से ये जो बॉल है वो अपने मुखालफ के कोर्ट में डाल दी है और दूसरा इस इलेक्शन के अंदर कोई वोट तोड़ने की भी कोशिश नहीं की गई तो कोई तीसरा या चौथा कैंडिडेट भी मौजूद नहीं था जो कि किसी के वोट तोड़ सकता खासकर ट्रम्प के वोट तोड़ने के लिए उन्हीं जैसा कोई एक करेक्टर क्रिएट किया जाता और उसको इलेक्शन लड़वाया जाता माजी में कई सदारती इतहाबाद में कई कई उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं और बहुत नैरो मार्जिन के साथ आ, लोग सदर मुंतब हुए हैं तो इस बार जो वन ऑन वन मुकाबला कराया गया तो अमरीकी इस्टेबलिशमेंट लगता है कि इस मामले में मात खा गई लेकिन अमरीकी सदर इस्टेबलिशमेंट के साथ अगर ताल्लुक बेहतर नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि उनका जो दौर इकतदार है वो अमेरिका की तारीख का हो सकता है बदतरीन दौर बन जाए क्योंकि अमरीका ने इस वक्त कई महाज खोले हुए हैं पर यूक्रेन को अमरीका बहुत बड़ी इमदाद दे रहा है और अब भी इससे पहले कि ट्रंप जो है वो आने सदर में आकर बैठे वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है बना हुआ वहाँ पर बराजमान हो और अपनी मर्जी के फ़ैसले करें आज ही अमेरिका ने यूक्रेन के लिए छह अरब डॉलर की इमदाद दे दी तो जाने से पहले अमेरिका की जो हुकूमत है मौजूदा वो अपनी पॉलिसियों को तसलसल देना चाहती है और पैगाम देना चाहती है कि इस्टेबलिशमेंट जो है इस मामले में शायद बैकआउट ना करे जबकि अमरीकी जो सदर है, हैं डोनाड ट्रम्प उनके ख्याल कतई मुख्तफ हैं और वह जगो जदल के भी कायल नहीं हैं ये एक अच्छी बात है और उन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने बहुत सारे इशारे दिए तो इससे अंदाजा होता है कि इस बार वो किस तरह इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद 2020 में जब उन्हें इकतदार से निकाला गया तो उनका दौर सदारत यहीं से शुरू होगा जहाँ से वो निकाले गए लेकिन उन्होंने अपने महम में जंग बंद करने का जो ऐलान किया और फिर उन्होंने एक बड़ा वाजा पैगाम दिया कि वो चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के तनाजा से दूर रहे तो ये तो आ, बड़ी अहम बात होगी क्योंकि अमेरिका सुपर पावर ही इसलिए है कि वो दूसरों के मामल में टांग अड़ाता है और डोमिनेट करता है अगर अमेरिका इससे बैकआउट कर जाता है तो फिर उसकी वो जो सुपर पावर की हैसियत है वो कम्प्रोमाइज़ होगी यानी वो चौधरी अगर फ़ैसले नहीं करेगा तो वो चौधरी किस बात का और चौधरी अगर प्राई फंडे में टांग नहीं लड़ेगा तो वो चौधरी किस बात का अमेरिका इस पॉलिसी से बैकआउट उसी सूरत में कर सकता है जब उनकी स्टैब्लिशमेंट राजी हो तो मुमकिन है ट्रम्प जो है वो कई मुल्कों में जो जंग जारी है वो बंद करा दें मतलब रूस और यूक्रेन की जंग बंद हो सकती है वो प्यूटन को समझा सकते हैं उनके साथ उनकी दोस्ती है और उन्होंने मैसेज भी दिया है इसके अलावा और भी जो इसराइल के मामला हैं नैतन याहू से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की है तो ये दो टारगेट तो उनके बड़े वाजिया नज़र आ रहे हैं कि एक वो जंग बंद करेंगे और दूसरा अमेरिका को दूसरे मुल्कों में पंगा लेने से रोकेंगे लेकिन चूंकि बिजनेस माइंडेड आदमी है तो बीबीसी बी, -बी ये कहता है कि जो अमेरिका है वो अब तजारती जंग में आएगा अमेरिकी सदर जो है वो गैर मुल्की सिया पर एक तो दस फीसद से बीस फीसद तक टैरफ लगाने का इरादा रखते हैं और चीन से जो माल अमेरिका में जा रहा है उस पर वो साठ फीसद टैक्स लगाएंगे तो वो एक और तजारती जंग शुरू करना चाहते हैं और दुनिया भर में अब तजारती जंग शुरू होगी दूसरा उनका एक बड़ा वाज़ पॉलिसी है उन्होंने जो गैर मुल्की तारिकिन ने वतन है या महाजरीन कहलाते हैं उनके लिए उन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज़ है सरहदें हैं उनको सील करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि वहाँ पर एक दीवार दीवार चीन की तरह खड़ी करने का मनसूबा उन्होंने बना रखा है वो पहले भी कहते रहे कि ये जो लेटिन अमेरिका से लोग आते हैं जो उनकी जनूबी सरहद है वहाँ से रोकना चाहते हैं कि लाखों लोग जो है अमेरिका के अंदर आते हैं और अमेरिका की मीशत पर भी असर पड़ता है और उनका लॉ एंड ऑर्डर भी कंप्रोमाइज होता है तो वो दीवार की तबीर करना चाहते हैं तो पहले भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन कांग्रेस ने इस मनसूबे को नाकाम बना दिया था अब उन्हें बड़ी मेजॉरिटी हासिल हुई है यानी उनका जो इलेक्शन है वो उन्होंने बड़ा वाजिया तरीके से जीता है तो बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से एक्सपेक्ट की जा रही है अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान की स्टैबलिशमेंट उनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरब के शाह सुलेमान के साथ यानी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के अंदर इस मुलाकात के हवाले से जो बात खुशगुमान है वो ये समझते हैं कि मुलाकात इमरान खान की वजह से हुई है चूँकि ट्रंप अमरीका का सदर बन गया है तो अब वो इमरान खान की हिमात के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा क्योंकि ट्रम्प इमरान खान का दोस्त है और इमरान ख़ान ने भी कल ये दावा किया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और ट्रंप अमरीकी सदर नहीं थे तो भी उनका रबता मौजूद था और ट्रम्प के हवाले से तहरीकन साहब के रहनुमा ने भी ये दावा किया है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वो जेल में है तो यहाँ ये सवाल तो बनता रहा कि ट्रम्प ने जब इमरान खान जेल में थे पिछले दो साल से हैं एक भी ट्वीट उनके हक में नहीं किया एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया इमरान खान के हवाले से जो कि ऑन रेकर्ड हो आ, तो अब इमरान खान के हवाले से इस तरह के प्रोमोगंडे किए जा रहे हैं चूंकि आर्मी चीफ का ये दौरा सऊदी अरब शेड्यूल था पहले से था और ये तय था कि अमेरिका में अगर इकदार चेंज होता है या नहीं होता तो भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर ख़त्ते में जो स्ट्रेटी है वो तरतीब देगा तो पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उनका इस ख़ते में बड़ा ज़बरदस्त इनक्सिस पहले भी मौजूद था लेकिन फिर इमरान खान की वजह से वो टूटा और अब दोबारा खासा डिवेल्प हो गया है, लेकिन जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि ट्रम्प आगे अकतदार में इमरान को जेल से निकाल देगा तो इसलिए जो पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट है वो मदद लेने के लिए सऊदी अरब के पास पहुँच गई कि वो ट्रंप को रोके यानी कि वो इमरान ख़ान की वायत न करे यानी ना पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के पास कोई काम है ना सऊदी अरब के पास कोई काम है ना अमरीका के पास कोई काम है और सब एक ही मिशन पर लगे हुए हैं कि इमरान ख़ान को कैसे फांसी दी जाए या उन्हें जेल से निकाला जाए अब शाह सलेमान ने ट्रंप से फ़ोन पर बात की है सऊदी अरब के जो वलीहद है उनकी बराह रास्त ट्रम्प से बात हो रही है और उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी है तो इससे उनकी जो क्लोजनेस है उसका अंदाज़ा होता है माजी में भी ट्रंप और शाह सलेमान या सऊदी अरब के साथ बड़े तल्लत रहे हैं वो तो मुबारकबाद तो कई दे रहे हैं और ट्विटर भरा पड़ा है अब असल चीज़ ये कि ट्रंप किस किस को रिस्पॉन्स देते हैं और किन से उनकी बराह रास्त बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो ट्रंप की जानव से जो रिस्पॉन्स है वो है तो ये दुनिया चूँकि खुशगुमारों से भरी हुई है इसलिए कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है तरीका के लोग तो पिछले दो साल से इसी उम्मीद पर जिंदा है कि इमरान खान जेल से सीधे निकलेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे कभी इनको फ़ौज के अंदर से किसी इनकलाब की उम्मीद पैदा हो जाती है कि कोई जरनेल खड़ा हो जाएगा और वो तहस नहस कर देगा कोई फ़ौजी बगावत कर देगा और कभी इन्हें अदलिया के अंदर से इस किस्म की होप नज़र आती है कि शायद कोई जज जो है वो सारी कहानी जो है वह दबरदूस कर देगा इमरान ख़ान को रिहा करा देगा मुकदमा ख़त्म कर देगा तरीके साहब की मौजें मौजें होंगी मुखालफिन सारे जेलों में होंगे और हुकूमत भी इनकी होगी अब इन्हें अमेरिका से उम्मीद है कि उनकी मदद करेगा तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद कोई बुरी बात नहीं है उम्मीद उम्मीद रखनी चाहिए और इनकी उम्मीद तो सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान हो यहाँ होगा बल्कि उम्मीद ये कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही सीधा जाएगा अब एक दिन कबल आग... कूत ने बड़ी बारीक सी वारदात डाली है इमरान ख़ान को दो मुल्क मांग रहे हैं दो मुल्क जो लोग समझते हैं कि बरतानिया और अमरीका ही उनके हक में बात कर रहे हैं और वहीं से उनके हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं तो ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि हकूमत जो है वो इन दोनों मुल्कों में से कोई मुल्क अगर इस ख्वाहिहिश का इजहार करता है अब पता नहीं किया है या नहीं किया लेकिन हुकूमत कह रही है कि दो मुल्क चाहते हैं कि इमरान ख़ान उनको दे दिया जाए और हुकूमत भी इस बात को अब अनाउंस कर रही है तो इसका मतलब ये कि हो सकता है इमरान ख़ान को बाहर भेज दिया जाए वो अगर खुशी से जाएं या ज़बरदस्ती जाएं अगर वो पाकिस्तान से बाहर भेज दिए जाते हैं जिला वतन होते हैं तो फिर कहानी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो अब होने क्या जा रहा है ये असल सवाल है क्योंकि मौजू ट्रम्प है और थोड़ी सी लेंथी गुफ्तगु है बाद लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बहुत ही गहरा ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को समझने के कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ कि ट्रम्प सदर बनेगा तो दुनिया में क्या तब्दीली आएगी तब्दीली तो नज़र आना शुरू हुई है आप देखिए कि अभी तो मीशत तब्दील हुई है सोने के रेट गिरे हैं तेल की कीमत गिरी है कारोबार में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और मैसेज चला गया कि जंग बंद तो अब ये जो जंगों के ताजर थे इनका तो कारोबार हो जाएगा ठप तो ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो असले की पैदावार दुनिया भर को असला बेचता है जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमल जहाज़ और इवन वार हेड जो मेजाइल लेके जाते हैं वो भी शामिल है तो टेक्नोलॉजी और जंगी साजो सामान ये अमेरिका का बहुत बड़ा कारोबार है इसीलिए उसकी फौजें या उसकी स्टेबलिशमेंट दुनिया में कहीं ना कहीं ख़ुद को इंगेज रखती है तो इससे ट्रम्प कैसे ख़ुद को बैकआउट कर सकेंगे पिछले दौर कुकूमत में तो वही नहीं कर सके लेकिन जाते जाते वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने में कामयाब हो गए थे वो भी पाकिस्तान की मदद से इस काम को जो बाइडेन ने आके मुकम्मल किया इसका क्रेडिट जो बाइडेन ने लिया कि उन्होंने आके इन फौजों को निकाला तो अब बिजनेस माइंडेड आदमी है और इमरान खान का और ट्रंप का जो एक बड़ा मेजर फर्क है ना वो सियासत तो दोनों की एक जैसी है दोनों एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं पॉपुलर वोट पर बात करते हैं सोशल मीडिया के बलबूते पे खड़े हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रंप जो है उस वो हमें वो बिजनेसमैन मैन आदमी है वो बिज़नेस से बड़ा आदमी है, और इमरान ख़ान ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया तो जो कारोबारी आदमी है वो कामयाब सियासतदान भी होते हैं क्योंकि सियासत एक ऐसा है जो सबको नहीं आता और ये वैसे भी नबियों का पेशा रहा है तो समझे कि जो पेशा नबियों का है वो कितना बड़ा पेशा होगा आप दुनिया की सोच देखिए किस तरह बदल गई है पहले अखलाकियात के हाई पोडिसल होते थे अमेरिका के अंदर तो जो सदर का होता है वो उस शख्स के लिए होता था जो अखलाकी तौर पर बहुत हाई पोडेसल पे खड़ा हो फिर उसकी फैमिली हो तो इस रिडिशन को बेशा अमेरिका में मकबूलियत मिली है आ, जब बिल क्लिंटन सदर थे तो उनका उनके स्टाफ की एक मैंबर के साथ मुआशका सामने आया तो उनका जो हशर हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उनको अमेरिका समेत जो है पूरी दुनिया में रसवाई का सामना करना पड़ा तो इस बात का बहुत बुरा मनाया जाता था कि कोई एयरखलाक हरकत ना करे लेकिन अब जो अमेरिका का सदर है वो सजायाफ्ता है मई 2024 में इन्हें कारोबारी रिकॉर्ड में चौंतीस मरतबा जालसाजी करने के में कसूरवार पाया गया उन पर कई मुकदम्त कायम हैं और वाशिंगटन डी पर अटैक का जो जिम्मेदार है वो भी उन्हें ठहराया जाता है तो पूरा अमेरिका का मीडिया ब्लूमबर्ग सी एन एन टाइम वाशिंगटन पोस्ट सी बी एस और ये पूरी दुनिया को बताते रहे कि ट्रम्प साहब के कारनामे क्या है यानी लोग की पेट पेट के मर गए कि ट्रम्प जो है वो सही आदमी नहीं लेकिन पब्लिक ने उसे वोट दे दिया तो अब ये जो हमारे यहाँ सूरत हाल बन रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और अमरीका माजी में क्या तल्लु थे और अब क्या तल्लु है जब ट्रम्प प्रेजिडेंट थे तो उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे तल्लत थे और सऊदी अरब इलाके का थानेदार बना हुआ था पाकिस्तान जो है वो समझे कि हवालदार भी नहीं था तो इस जमाने में अमरीका पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के बहुत करीब था ट्रंप के दौर हुकूमत तक उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो बदल गई और यही वजह है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई या इमरान हुकूमत गिरी तो वो इसका इल्ज़ाम अमरीका पर लगाते थे और चूँकि उनका ख़्याल ये था कि अमरीका ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई वो मुझे पसंद नहीं करता फिर उन्होंने दौर रूस को भी इसकी बड़ी वजह करार दिया हालांकि जो बाइडन की पॉलिसी थी वो ओवरऑल चेंज हुई है जिससे पाकिस्तान सऊदी अरब यू सब मुता हुए और इन सब मुल्कों ने अपनी पॉलिसी बदली हती कि सऊदी अरब जो कि ईरान का बिल्कुल मदमकबल मुल्क समझाता है उसने आ, अमेरिका की नाराजगी की वजह से यानी अमेरिका उनको लिफ्टने की रहात हो तो अमेरिका के दुश्मन ईरान के साथ हाथ मिला रही है हालांकि सऊदी अरब का भी दुश्मन ईरान तो ईरान के साथ अपने तलुक़ा सऊदी अरब ने खासे बेहतर किए अभी जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और शाह शाहमान की इसमें मुमकिन है इमरान खान के ऊपर बात हुई हो हु। क्योंकि सऊदी अरब इमरान खान को भी पसंद नहीं करता बीस मान मेरी ये कि इससे पहले जो हुकूमत थी उसको भी पसंद नहीं करते थे और उसी की वजह से इमरान खान की सपोर्ट की गई और इमरान खान की वॉशिंगटन डीसी तक एक्सेस कराई गई शाह सुलेमान थे जिन्होंने इमरान खान के दौरा अमेरिका की राह हमवार की और ट्रंप से कहा कि इनसे मिलने ये आपके काम के आदमी हैं या कोई और वजह होगी तो इमरान खान का बड़ा वहाँ पर अमेरिका में इस्ताल भी हुआ तो पीछे सऊदी अरब की एक माइट मौजूद थी और एक विल मौजूद थी और ये इस हद तक इम्पॉटेंट चीज़ थी कि अरबों ने अपना जहाज़ इमरान खान को दिया कि आप इसमें जाए स्पेशल त्यारे के अंदर जो रॉयल एक बहुत बड़ा जहाज था जो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता है ताकि अमरीकी हुकूमत को इस बात का एहसास हो कि इमरान खान को सऊदी अरब कितनी बड़ी अहमियत दे रहा है तो पूरा एक उन्होंने भरम बना के इमरान खान को भेजा था लेकिन इमरान खान को चूँकि मूगी बवासीर थी तो जहाज़ भी उनके अंदर से बहुत सारी बातें अरब मालिक के ख़िलाफ़ भी निकली जिस तरह वो जिस शख़्स से भी काम लेते हैं और उसके बाद उसी की बुराइयां करते हैं उसी को डसने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने उसी जहाज़ के अंदर कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि जहाज़ के अंदर एक सर्वेलेंस का निज़ाम मौजूद था और शायद जहाज़ इसलिए दिया गया हो कि वो जानना चाहते हो कि पाकिस्तानी हुकूमत जो हमारे साथ डील करी क्या वो अपने मौक़ पर कायम है या कुछ तब्दीली आई तो उन्होंने चेक बैट किया और इमरान खान से फँस गए इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि इमरान खान दौरा ख़त्म करें और उसी जहाज में वापस आए बल्कि दौरे के दौरान ही जहाज़ वापस मंगा लिया तो इमरान खान को फिर पी आई ए से वापस आना पड़ा तो ये एक बैकलॉग है तो क्या सऊदी अरब अब चाहेगा कि इमरान खान दोबारा इकतदार में आए तो उसका जवाब नफ़ी में आए तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो अमरीका का भी प्रॉब्लम नहीं है और सऊदी अरब का भी प्रॉब्लम नहीं है अमरीका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमतों के तल्ल हुकूमत से होते हैं उनको शायद इस बात से कतें को फ़र्क न पड़े कि पाकिस्तान में कौन हुक्मरान है या नहीं है क्योंकि जो भी होगा वो अमरीका की बात सुनेगा और सऊदी अरब का भी मामला यही है लेकिन सऊदी अरब का इस मामले में हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है अब मौजूदा सिचुएशन ये है कि जो मौजूदा रजीम है इनके साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे तल्लु हैं तो दूर दूर तक इस बात का कोई इमकान नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए या अमेरिका को कोशिश करेगा या सऊदी अरब कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कितनी तगड़ी है कि पाकिस्तान में जितनीकमतें आती हैं उनके बारे में तवूर यह किया जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट ही उनको लेकर आती है स्टैब्लिशमेंट ने अगर फैसला किया हुआ है कि इमरान खान दोबारा इक्तदार में नहीं आएगा तो फिर अमेरिका भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाएगा हाँ इमरान खान के लिए वो कुछ रियायतें लेने में कामयाब हो सकते हैं और उसके बदले में पाकिस्तान अमेरिका से इससे कहीं ज़्यादा रियायतें ले सकता है तो मुझे लगता है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो बैटर हो सकता है यानी इमरान खान ले लो और उसके बदले कुछ दे दो तो इमरान ख़ान को तो हमने ऑलक्स में भी लगा के देख लिया उसका टका नहीं किसी ने लगाया तो अब अचानक ही अगर इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि उसकी रिहाई के लिए अमेरिका गुजारिश कर सकता है दरख्वास्त कर सकता है या दबाव डाल सकता है तो फिर बदले में पाकिस्तान बहुत कुछ लेने में कामयाब भी हो सकता है तो आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में जो अदालती मामला चल रहे हैं और अदली के हवाले से जो डेवेलपमेंट रोज़ हम देख रहे हैं रोज़ धमाके हो रहे हैं कल भी एक धमाका हुआ है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील कर दिया गया जजीला असलम को जस्टिस काजी फायद ईसा ने तीन साल के लिए अपॉइंट किया था अपने साथ आ, लेकिन उनको तब्दील कर दिया गया जिसका मतलब है कि काजी के फैसले जो है वो या फरीदी रिवर्स कर रहे हैं तो जितने काजी ने अपॉइंटमेंट की थी कोई तब्दीलियाँ की थी वो एक एक करके नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिवर्स कर रहे हैं अभी जो मोहम्मद सलीम खान है इनके बारे में अहम बात ये कि ये जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और के पी के में इनकी थी और वजी अल थे महमूद खान उनके साथ जो सूबे के अंदर चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम है मोहम्मद सलीम खान अब ये रिटायर हो चुके हैं आ, लेकिन ये माजी में भी जब जस्टिस या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे तो उस वक्त भी इनके साथ ये रजिस्ट्रार थे अमूमा इस पर सर्विंग अफसर या कोई जज लिया जाता है लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोट को लाकर रजिस्ट्रार लगाया गया तो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिक्स ना हो तो ये सोचना ही जो है वो बेकार है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अगले दो रोज में दो अहम इजलास करने जा रही है कल जो इजलास हो रहा है बड़ा अहम वो है दाती दहशत गर्दी अदालतों के इंतजामी के केवाले से पी टी आई के नोमे के हाले से तमाम जो केसेज हैं वो इन्हीं अदालतों के अंदर जेर समात हैं और बड़े बड़े केसेज ऐसे हैं जिनके फैसले आलमोस्ट होने के करीब हैं तो उस हवाले से आ, जो है वो एक अहम इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान या, या फरीदी की जेारत होगा इसके अलावा दूसरा सुप्रीम जुडिशल कोंसल का अजलास है और इसकी सदार जैसे फरीदी करेंगी इसमें वो जो रेफरेंस दायर किए गए हैं उनके हवाले से भी गौर होगा ये बड़ा अहम इजलास है लेकिन जो कुछ जजों के हवाले से शिकायत है आ, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसल जायजा लेकर क्या फैसला करती है ये बड़ा मामला है इनमें एक आ, जो सीनियर जज है मुनीब अख्तर उनका भी एक केस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुँचा हुआ है इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड था वो बिल्कुल एंड तक पहुँच गया और जरा कह रहे कि अगले चंद रोज़ में इस पर फैसला आ जाएगा इसकी जो कल समात होगी यानी आठ नवंबर को उसमें इमरान ख़ान और मुशम अबी का तीन सौ बयालीस का बयान लिया जाएगा तो ये आखिरी मरहला है जो मुशा बबी के वकील तो षमान रियाज उन्होंने आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है आखिरी गवाह पर तकरीबन तीन माह लगे हैं उनको जरा मुकम्मल करने में तो अब इस केस में इमरान खान को कम अज़ कम चौदह साल कैद की सजा हो सकती है वो कैद में रहेंगे या जेल से बाहर आएंगे इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा लेकिन अभी तरीकिन साहब को एक दो माह और जो है वो आ, अपने सब्र का दामन थामना होगा लेकिन अब तो देख रहे हैं कि अगले दो माह में इमरान खान को सजा होती है वो जेल में रहते हैं उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट मार्शल हो जाता है या फिर उनकी रिहाई के लिए अमेरिका से कोई प्रेशर आता है तो कहानी में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और ये जो मैंने शुरू में आपको बताया कि एक ट्वीट और कहानी तब्दील यानी अभी जो ट्रम्प है उनको अपने होदे का हाल उठाने में दो माह बाकी हैं तो इस दौरान अगर वो कोई ट्वीट कर देते हैं कोई बयान उनके हक में देते हैं तो फिर कहानी जो है वो बदल जाएगी तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो एक ट्वीट का इंतजार है साहब वालों को अगले दो महीने के दौरान अगर वो कोई ट्वीट कर देते हैं तो आ, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दबाव आ जाएगा और अगर वो इस बात पर खामोश रहते हैं और आ, मामला जो है वो बदलिया सऊदी अरब हैंडल करने की कोशिश करते हैं जैसा माजी में वो करते थे तो फिर सूरत हाल जो है वो कदर मुख्तलफ होगी तो अब तरीकान साहब के लोग दिन गिन गिन कर गुजारेंगे कि कब ट्रंप जो है वो इमरान खान के हक़ में ट्वीट करते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि क्या किस्मत पाई है तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि पहले इमरान खान ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था अब ये इमरान खान के लिए किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं तो अब तक इतना ही आपसे मुलाकात होती अगले भी लॉग में अपना गैर्द के लोगों ने बहुत ख्याल रखे